गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अपना जो लेसन है सुदामा चरित वो कंप्लीट हो गया बेटे लास्ट वीक। अब है अपना लेसन, नया लेसन है बेटे जहां पहिया है। जहां पहिया है इसके लेखक है पी साइना। ओके तो देखिए बेटे, रीडर्स लीजिए, रीडर्स लेके देखिए बेटे। हाँ तो यहाँ पे देखो बेटे, पहिया यानी व्हील। ओके तो जब से पहिया आया है, व्हील का इंट्रोड्यूस किया है, अर्ली मैन ने किया था ये, तो तब से जो है गति जो है बढ़ते गई बेटे। एक दूसरे से दूसरे प्लेस को, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाने की जो गति है वो तेजी से बढ़ते गई इसके वजह से। तो यहाँ पे ऐसा ही एक कहानी है, पुडुकट्टई बोल के तमिलनाडु में एक प्लेस है बेटे, तो वहां की महिलाओं ने भी एक ऐसा ही उद्यम किया है। तो क्या है वो, उसके बारे में है आज का अपना पाठ। जहाँ पहिया है यानी पहिया है तो कुछ क्या कर सकते, कितना सब कुछ कर सकते, उसके बारे में है ये। देखिए बेटे, पुडुकट्टई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? हाँ कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में, ये शायद बहुत पुरानी कहानी है बेटे, आपके नहीं, अब तो गाड़ियां आ गए, साइकिल तो कोई नहीं चला रही, ये बहुत पुरानी कहानी है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में पुडुकट्टई बोल के एक प्लेस है, वहां की महिलाएं, नव साक्षर महिलाएं, एजुकेटेड, न्यूली एजुकेटेड यानी इंटरमीडिएट पास हुए सो वैसा टीनेज, हाँ साक्षर यानी एजुकेटेड, एजुकेटेड महिलाएं जो है यहाँ पे पुडुकट्टई जिले में हजारों, वो भी कौन शहर के नहीं, ग्रामीण महिलाएं, गांव की महिलाएं, उनके लिए यह सब आम बात है। तो ये साइकिल चलाना क्या नई बात है बोल के अपन सोचते बेटे, मगर उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्यों है वो देखो बेटे, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध, हाँ अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। तो क्यों इनके लिए बहुत बड़ी बात है बोले तो देखो, वो गांव, गांव है बेटे, गांव में कैसा, शहर के जैसा उतना माइंड जो है उतना थिंक नहीं कर सकते बेटे वो लोग, हाँ इजी गोइंग नहीं रहते, हर बात पे कुछ ना कुछ निकालते रहते। तो यहाँ पे महिलाएं, हाँ एक वुमेन जो है बाहर जा रहे है, साइकिल चला रहे, अम्मा क्या करेंगे ये लोग, शहर की लड़कियों के जैसा हो गए, तो ऐसा बात करते वो लोग उनके, तो इसीलिए इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है गांव की महिलाओं के लिए। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, जो सब जने जो है उनको कुछ नहीं कर सकते, औरतें गांव की महिला है कुछ नहीं कर सकते, ऐसी जो कहते थे उनके लिए, अपना विरोध व्यक्त करने के लिए, हम भी कुछ कर सकते हैं बोल के बताने के लिए, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वह जकड़े हुए है, पूरे बंधन रहते बेटे गांव की महिलाओं को, इतना फ्रीडम नहीं रहता, हर बंधन में जकड़े हुए रहते, वहां पे नहीं जाना, यहाँ पे नहीं जाना, ऐसा सब कुछ रहता समझो। हाँ उन जंजीरों को तोड़ना, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, तो कुछ ना कुछ एक तरीका निकाल लेते लोग। तो ये लोग क्या निकाले बोलते, साइकिल चलाना। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत यूजफुल बना ये बाद में जाके, कैसा देखो, कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं, तो कुछ ना कुछ उपाय निकाल। सी एक बिल्ली को भी बेटे एक कमरे में बन के मारो मारो मारो, एक दिन क्या करता उन्हें, रिवर्स होता। ऑब्वियसली ये महिलाएं भी ऐसे ही पुरुषों के अधिकार से झगड़े हुए थे, तो देखे 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 कैसा हो गया, एक रेवोल्यूशन आ गया उनका, एक रेवोल्यूशन आ गया। तो भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकट्टई, गरीब जिला, बहुत यानी उतना डेवलप्ड नहीं है गाँव, और बहुत फाइनेंशियल भी उतना ये नहीं है। हाँ पुडुकट्टई बहुत से गांव है, उसमें से ये तमिलनाडु में ये भी एक गांव है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। तो यहाँ की महिलाएं, यहाँ की महिलाएं, उनको भी आजादी मिली। हाँ वो लोग भी स्वाधीन है, किसी के अंडर नहीं है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, अपने अंडर में ही है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, और मुझे भी आजादी मिली बोल के दिखाने के लिए यहाँ की पूरी महिलाएं क्या करी बोले तो, साइकिल को चुना, साइकिल को अपना आयुध बनाया, अपना आयुध बना के साइकिल को चुना।
उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। तो बहुत जने कौन थे बोलते, उसमें अनपढ़ भी थे, पढ़े लिखे सब भी थे, मगर बहुत अधिकतर बोलते ज्यादा से ज्यादा कौन थे बोलते नव साक्षर। ओके, टीनेज जो एजुकेटेड गर्ल्स थे वो लोग थे बेटे। हाँ, अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर देते तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी 10 इयर्स की गर्ल से लेके बड़े से बड़े लोग भी साइकिल चलाना शुरू करे। तो यहाँ पे अगर उतने कम यानी अपने को मेजर कब करते बेटे गर्ल्स को बोलते 18 इयर्स आना, तो वैसा देखा गया उसके अंदर जितने भी है वो लोगों को निकाले तो भी कितने लोग सीखे ये साइकिल बोलते 1/4 यानी 1/4 लेडीज जो है उस गांव के ये साइकिल चलाना सीख रहे थे। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। तो देखो ये लोग क्या करें, तो इसमें से कितने लोग बेटे 70,000 से भी अधिक महिलाएं, खाली पुडुकोट्टे के नहीं, पुडुकोट्टे के महिलाओं को देखकर उनमें जो रेवोल्यूशन आया वो देखकर सराउंडिंग जितने भी गांव थे वो लोगों में भी एक इच्छा जगी, हम भी कुछ कर सकते बोल के वो लोग भी आगे आए। ऐसे जितने भी गांव थे सराउंडिंग, तो वो पूरे मिलकर 70,000 महिलाओं ने, अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताएं जीती है। प्रदर्शन किया एक रैली के जैसा निकाले, यानी वो लोगों को एक खुशी हम भी कुछ कर रहे बोल के एक रैली के जैसा निकाले। और प्रतियोगिताएं भी, प्रतियोगी साइकिल के रेसेस रहते ना बेटे, उसमें भी भाग लिए, लेडीज को अलाउ नहीं था, मर्दों के साथ क्या कंपटीशन लेते बेटे, फिर भी ये प्रतियोगिताएं जीती है। जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है, जो नया कौशल है लोग सीखे साइकिल चलाना इसका प्रदर्शन करे। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटे इनका जो जज्बा है कितना स्ट्रांग है। यहाँ पे खाली वो लोग सीख के खामोश नहीं बैठे, जो साइकिल चलाना सीख गए ना, तो जो नहीं सीखे अभी उन लोगों को फ्री में यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर खोले गए। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का हिंदी वर्ड है प्रशिक्षण। ओके, तो इन लोगों के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे रहे, जो सीखे ऑलरेडी वो लोग जो है, जो नहीं सीखे उनके लिए ट्रेनिंग के लिए संडेस होकर जब भी फ्री टाइम मिला वहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले हर गांव में। तो इस प्रकार वो लोग सबको सिखा रहे हैं। तो बच्चों आज यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।